हेलो फ्रेंड, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको पता है कलयुग में क्या क्या हो रहा है? इसके बारे में आपको कोई भी खबर नहीं है। आपके लाइफ में सक्सेस से बड़ा कुछ और चीज है नहीं। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में इंसानियत कहाँ तक चला गया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना जरूरी है। क्योंकि आज के समय अच्छे लोगों के मुकाबले बुरे लोगों का संख्या बढ़ गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके सब बुरे हैं, नहीं, उसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। पर बुरे लोग क्या क्या कर रहे हैं ये आपको जानना जरूरी है। उन्हीं में से मैं एक स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ ये कोई कहानी नहीं, एक रियल घटना है। ये उस गांव की बात है जहाँ एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था और उसके पास बहुत सारा गाय थी। एक दिन अचानक से एक साहूकार आकर उससे कहता है, आप मुझे एक गाय बेचेंगे? मुझे भी ये गाय पोसने का बहुत शौक है, आप अभी के अभी पैसा देकर अपने गाय को लेकर चल जाइए। तो व्यक्ति कहता है, आज तो देर हो गया है, पैसा ले लीजिए, मैं कल सुबह में आकर लेकर चल जाऊंगा। वहां से साहूकार अपने दोस्त के पास चला जाता है और उसे जाकर कहता है, तुम्हारे पास में एक टेकर है, मुझे एक दिन के लिए किराए पे चाहिए क्योंकि मैंने एक गाय कीना है, उसे लेकर मुझे अपने घर तक जाना है। तो उसका दोस्त कहता है, कल सुबह में आकर तुम टेकर लेकर चल जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। सुबह होता है, सब काम निपटा कर 10 बजे तक अपने गाय को देखने जाता है। तो व्यक्ति कहता है, तुम अभी तक अपने गाय को लेकर क्यों नहीं गया, मैं सुबह से उसे खाना नहीं दिया है। साहूकार रामू से कहता है, तुमने अभी तक मेरे गाय को खाना क्यों नहीं दिया? तो रामू कहता है, ये तो तुम्हारा गाय हो गया, इसीलिए मैंने इसे खाना नहीं दिया, तुम जल्दी से लेकर जाओ वरना ये भूखा ही रह जाएगा। साहूकार अपने दोस्त भागा भागा जाता है, अपने दोस्त से जाकर कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी अपना टेकर दे दो। तो उसका दोस्त कहता है, तुम इतना हड़बड़ाए हुए क्यों? तो साहूकार पूरा कहानी अपने दोस्त को बताता है, उसे कहता है, ऐसा ऐसा बात है, उसने अभी तक मेरे गाय को खाना नहीं दिया है। इसके बाद उसका दोस्त अपना गाड़ी लेकर जाता है, सबसे पहले जाकर अनाज खरीदता है, उसके बाद वो गाय को लेने जाता है और गाय को टेकर पे चढ़ाकर सबसे पहले खाना खिलाता है। साहूकार का दोस्त रामू से कहता है, तुमने इसे पैसा एक्स्ट्रा क्यों नहीं ले लिया ऐसे खाना के लिए, पर इसे भूखा क्यों रखा? तो रामू कहता है, ये मेरा गाय तो अब है ही नहीं, ये तो अब इसका गाय है, तो इसलिए मैंने इसे खाना नहीं दिया। इतने सालों से तुमने गाय का देख रेख किया, तुम्हारे अंदर में थोड़ा सा भी इसके लिए प्यार नहीं बचा है। भले ही आज मैंने इसे खरीद लिया, तुम्हारे अंदर में इतना ही प्यार नहीं है कि इसे मैं थोड़ा सा खाना दे दूं। ये भूखा बैठा हुआ है, यहाँ पर सब खाना खा रहे हैं पर यहाँ पर ये अकेला भूख से बैठा हुआ है, अंदर ही अंदर तड़प रहा है। तुम्हें क्या लगता है, तुमने ये अच्छा काम किया, थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए तुमने एक प्राणी को भूखा रखा है? तो रामू कहता है, ये मेरा गाय नहीं है, मैं इसे खाना क्यों दूं? तुम अपना गाय को उठाओ और यहाँ से लेकर जाओ। और वहां से साहूकार अपने दोस्त के साथ गाय को लेकर चला जाता है। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से क्या समझाना चाहता था आपको समझ में आ गया होगा, पर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आज के समय इंसानियत कहाँ चला गया किसी को भी पता नहीं है। पर मैं आपको ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हर इंसान खराब होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे बुरे इंसान रहते हैं वहाँ पे अच्छे इंसान भी होते हैं। अगर आपको अच्छे इंसान के बारे में जानना है तो टेंशन मत लीजिए, आई बटन पे लिंक है, उसे आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अच्छे इंसान के मुकाबले बुरे इंसान बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं है, भगवान सब कुछ देख रहा है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ करना ही है तो अच्छे काम करिए, बुरे काम करने की जरूरत क्या है? बुरे काम करने से बुरा ही फल मिलता है, आपको अच्छा फल मिलेगा नहीं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सक्सेस पाने के लिए, थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए कभी बुरा काम करने की जरूरत नहीं है। उस कहानी में रामू अगर चाहता तो उस गाय को थोड़ा सा खाना दे सकता था, उसे ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए ही खर्च होते। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अपने इमेज को हमेशा सफेद कपड़े के जरा साफ रखिएगा, क्योंकि सफेद कपड़े में थोड़ा सा धूल भी गिर जाने से वो जल्दी साफ होता नहीं है। इसलिए मैं आपको क्या समझाना चाहता था समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना। आपने चैनल पहली बार आए हैं तो नीचे में एक रेड कलर का बटन है, उसे आप प्रेस कर ले, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको डेली मिलेगा। जय हिंद।